हो गया 8:30 हो डेट है 30 दिसंबर। इधर हो रहा मेरा वीडियो अपलोड। थैंक गॉड आज मेरा वाईफाई चल पड़ा, नहीं तो सुबह से ना ये बनता, नहीं तो मेरा वीडियो ना जाता आज। फ्राइडे हो 30 दिसंबर, पूरा साल कैसे निकला कैसे खत्म हो गया, दुख तकलीफों के साथ स्टार्ट हुआ था, दुख तकलीफों के साथ ही खत्म हो गया। कुछ अच्छा सिखा गया, कुछ अच्छा बता गया, कुछ बुरा बता गया, कुछ अच्छा सिखा गया, मतलब सब लाइफ के पार्ट ना कि आपको मतलब सारी चीज़ें सिखा गया है ना, अच्छा बुरा सब कुछ है ना, बहुत चीज़ें सिखा गया, बहुत चीज़ें हमसे ले गया है ना, ये सारी चीज़ें इसी साल में हुआ है ना। चलिए कोई बात नहीं, ये लाइफ का पार्ट है, जिंगल लाइफ का पार्ट, तो ये चीज़ें चलती रहती है। और ब्रेव बने रहो, खड़े रहो, अपने घोड़े जो किस्मत के घोड़े और लाइफ के घोड़े दौड़ाते रहो, रुकना नहीं है कहीं पे। तो फिलहाल अभी खाना वगैरह खाते हैं क्योंकि दौड़ दौड़ के ना भूख लग गई है, अभी खाना खाते हैं। तो आज खाने में है मम्मी की शाम की बनाई हुई कड़ी पकौड़ा और साथ में है चपाती और बीच में घर का बनाया हुआ देसी मक्खन। मेरा हमारा टफी, इसने खाना खा लिया और हमें खाने नहीं देगा अभी। और आज मेरा और टफी का दोनों का ब्लैक ब्लैक, टफी मैचिंग हो गई हमारी, तो क्या बात है भाई, क्या बात है। नो ये खड़ा हो जाता है भाई ऐसे, इसका काम है चप्पलें ढूंढना। मिल गई, ये नहीं लेनी, ये नहीं लेनी, नहीं गंदी बात, अब ना थोड़ा समझदार लेगा, नहीं मैं तेरी चप्पल ले लूँगा अगर तुमने हमारी चप्पल ली, और ये हमारी नहीं है वापस जाएगी, कितनी बार बोला है ये नहीं लेनी नहीं लेनी, कोई और ले ले, क्यों लेते हैं ये बार बार। अब इसको मैं ना थोड़ा सा डराता हूँ, दे सकेगा तू चप्पल वापस, फिर कहाँ गया अभी, ओए ये भी नहीं लेना। अभी ना थोड़ा समझदार हो गया, अभी बैठता है कहना मानता है ये। सो गए क्या कर रहे हो, मैं क्या पता मेरा वीडियो देख रहे हो आप, देख लिया कैसा लगा, लाइक किया आपने, लाइक किया, लाइक नहीं मेरा वीडियो मम्मी लाइक नहीं करते, ओहो कमेंट तो क्या करना, मम्मी मेरा ही वीडियो लाइक नहीं करते। मैं बताता हूँ आपको कैसे करना, आपको अच्छा नहीं लगा नहीं, फिर आपने लाइक क्यों नहीं किया, नहीं लाइक तो देखो लाइक तो बनता है ना, आप ही नहीं करोगे तो भाई क्या, देख लीजिए आपको रियलिटी बताई मम्मी की, वीडियो देखते हैं लाइक ही नहीं करते, जैसे आप वीडियो प्ले करते हो ना ना, तो ये देखो लाइक करते हैं मम्मी, 270 लाइक आपका हुआ है ना, मैंने किया अभी आपको पता नहीं, ये करना है ये नहीं करना, ये वाला करना है फिर बंद करी मैं कर, जो अंगूठा ऊपर को है ना, अब नहीं होगा, अब हो गया, अब दूसरी वीडियो का करो, कोई किसी वीडियो का भी नहीं किया आपने, दूजी चला जी कल वाली, कल वाली ये देखो यहाँ पे है ना, अब बताता हूँ, हाँ इसको बताओ कैसे करना है, हाँ ये करना है, ये वाला नहीं करना है, ये डिसलाइक होता है ये लाइक होता है, ठीक है, और कमेंट भी कर सकते हो आप, ठीक है, मैं किसी का भी कर सकती हूँ लाइक, हाँ किसी का भी, जो वीडियो आपको अच्छा लगता है, बस हो गया भाई। तो मेरे को आज पता लगा मेरे ही वीडियो मम्मी लाइक ही नहीं करते, देखते है बस लाइक ही नहीं करते, आज मैंने बताया ये है भाई, चलो ठीक है गुड नाइट, सुबह मिलते हैं, कल नया साल स्टार्ट हो जाएगा, कल 12 बजे के बाद परसों होगा है ना। तो ये जिंदगी कुछ हसीन पल है ना, 2 दिन बचे आज 30 है ना, थोड़ी बहुत ऐसे आज मम्मी को 30 दिसंबर को इस साल में हमने कितना कुछ सिखाया, लाइक करना सिखाया मम्मी को है ना, कितना कुछ सीखा है ना, बहुत कुछ सीखा है इस साल, हाँ जिंदगी में भी, चलो ठीक है गुड नाइट, गुड मॉर्निंग। तो सनसेट हो रहा है हमारे, सनसेट नहीं सनराइज़ हो रहा है यहाँ से, और सुबह सुबह आज ना पहली बार इतनी जल्दी उठाऊँ, क्योंकि नहीं तो क्या था मैं 8:30 के करीब उठता हूँ, आज मैं 7 बजे यहाँ पे आ गया, स्पेशली इस साल के लास्ट व्लॉग में लास्ट ट्रेन की आवाज़ सुनने के लिए आया, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे ना हमारे यहाँ ट्रेन जाती है तो आवाज़ लगाती है, सुबह 9 बजे आती है और 7:30-7:30 के बीच में आती है। और मेरे साथ आ चुका है हमारा टफी, और जो कि मतलब कि उसको जब ऐसे मिलता है ना छत, उससे रहा नहीं जाता, बस ऐसे मारता है ना, वो पंजाबी में क्या कहते हैं हम, जबड़ियाँ, ओह आज हमारी ना मेरी भी दग-दग बढ़ रही है और टफी की भी, आज मेरी ना वो किसने इस तरह से करवा दी एक्सरसाइज हमारी सुबह की। मॉर्निंग मम्मी, क्या कर रहे हो, हमारी बन रही है सुबह की पहली चाय, और दिन में हम क्या करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 2 और चाय पीता हूँ मैं तो, एक सुबह एक शाम को, अगर कोई घर में आ जाएगा तो 3 बार हो सकती है, ज़्यादा से ज़्यादा 4 बार, ये चाय का रूटीन है, और मैक्सिमम हमारे घर में चाय का रूटीन 2 बार, और चाय से ज़्यादा है, चाय से पहले सुबह सुबह ना पानी पी लूँ, और मेरी आँख को ना आवाज़ ऐसे लग रही हो बाबरी हुई,
सांस चढ़ी क्योंकि कफी ने मेरे को खूब भगाया। और पानी जरूर पी लेना चाहिए क्योंकि विंटर्स में क्या होता है कि अपना जैसे ना बॉडी में कंजम्पशन चाहिए पानी की कम हो जाती है ना, तो इसे टाइम टाइम पे पीते रहिए, वो भी बैठ के खड़े होके नहीं। सुबह सुबह ना आज चावल मिल के खाने के लिए, सुबह नहीं सुबह के 10 बजे हम बेड से नहीं उठे, लेकिन क्या है कि मम्मी को बोला कि मम्मी आज ना चावल बनाना हमारे लिए, क्योंकि चावल हमारे पसंद है। रात नहीं बनाए थे लेकिन आज सुबह सुबह कड़ी चावल खा रहे हैं और अच्छा लग रहा है। कड़ी चावल बन जाए तो क्या ही बात है ना। जस्ट अभी चावल एक फ्री हूँ और दोपहर के बज चुके हैं 12 और मैं अभी फिलहाल निकल रहा हूँ। तो आपको बता देते हैं हम कि मम्मी पता नहीं किधर चले, एक्चुअली छत पे थे क्योंकि मैं और मम्मी ने आज मिल के छत की अच्छे से सफाई की। फिलहाल ना छत को ना अच्छी तरह से सफाई कर दी और देखने में भी ना सुंदर लग रहा है। एक्चुअली हुआ क्या था कि टफी ने ना बहुत ज़्यादा गदर मचा रखा था यहाँ पे, इसलिए हमने मिल के ना अच्छे से साफ कर दिया। और ना स्पेशली ये वाला एरिया क्योंकि अपना स्टूल ना यहीं पर पास करता था तो साफ हो गया। और मम्मी फिलहाल नीचे है और एक इशू है। अच्छा अच्छा भाभी पढ़ा रहे हैं। और फिलहाल टफी ये मिली है, टफी हैप्पी न्यू ईयर। यस हैप्पी न्यू ईयर। और फिलहाल ना आज मैं निकल रहा हूँ, कहाँ निकल रहा हूँ, न्यू ईयर आ रहा है और आज लास्ट है ना 31 दिसंबर, और मे भी ये मेरा अभी लास्ट ब्लॉग होगा। यहाँ पे सोच रहा था कि आज के दिन में 2 ब्लॉग भी डाल सकता हूँ, तो फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे एंड कर देंगे। और मैं कहाँ जा रहा हूँ आपको आगे पता चल जाएगा। मैंने पहले बोला था कि अगर हमारा कहीं घूमने का प्लान होता फैमिली के साथ तो प्री प्लानिंग होनी चाहिए। हमारा प्लान था शिमला वगैरह कहीं जाने के फैमिली के साथ, लेकिन मैं अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस कर चुका था कि हम इकट्ठे सेलिब्रेट करेंगे, क्योंकि सारा दिन फैमिली के साथ रहा, बहुत कम घूमना फिरना होता है ना। तो आज मैं डिसाइड किया कि फ्रेंड के साथ ही सेलिब्रेट करूँगा। और दूसरा क्या था, हम नीचे चल के बात करते क्योंकि यहाँ पर ना आँखें खुल नहीं रही। तो मौसम पीछे बहुत बढ़िया लग रहा है ना, पूरा क्लियर वेदर और क्लियर आसमान, अच्छा लगता है। नीचे आ गए तो यहाँ बैठ के बात करते हैं। एक्चुअली कैसा गया ये वाला साल 2022, आप लोगों ने देखा बहुत सी अच्छी चीज़ें भी आई लाइफ में, बहुत सी बुरी चीज़ें भी आई, और ये लाइफ का पार्ट है, ये आनी भी चाहिए क्योंकि इंसान सीखता है लेसन। जो कि मैंने बहुत बड़ा चीज़ लेसन सीखा और बहुत सी एक्सीडेंट भी हुए मेरे, है ना, और बहुत सी चीज़ें लाइफ में मतलब कि क्या ही बोलूँ, है ना, अच्छी बोलूँ या बुरी बोलूँ, भगवान करता है सब अच्छा ही करता है ना, उसको पता होता है तुम्हारी लाइफ में क्या बढ़िया क्या नहीं, है ना। तो बहुत सी चीज़ें सीखी हुई। चलिए अब 2022 निकल गया, 31 हम बिना किसी बात को किए हुए, है ना, इन बातों को यहीं पे ख़त्म करते हैं ना। नए साल में एंटर करने जा रहे हैं आज 12 बजे के बाद, नए रेजोल्यूशन के साथ आएंगे हम, है ना, नई नई चीज़ें सीखेंगे, नई नई चीज़ें सिखाएंगे। और बस जैसे आपने इस साल मेरे साथ प्यार बनाए रखा, आपने अंकुश को समझा, अंकुश की फैमिली को समझा, बहुत मतलब कि मेरे साथ बहुत आप समझ तो है ना, लेकिन आप लोगों ने साथ नहीं छोड़ा। और बस ऐसे ही अपना साथ बनाए रखना, ऐसे अच्छे अच्छे कमेंट करना, लाइक करना और अपना सपोर्ट बनाए रखना अंकुश अग्निहोत्री के साथ और उसकी फैमिली के साथ। जैसे आपने इस साल प्यार दिया, है ना, बहुत तोड़ने की कोशिश की मेरे को बहुत ज़्यादा, आप लोगों ने सब अपनी आंखों से देखा है, लेकिन आपका अंकुश आपके सपोर्ट से खड़ा रहा, उसका मनोबल नहीं टूटा, मतलब कि हर तरह से अब क्या ही बोलूँ, है ना, सब समझते हो, क्योंकि जो हमारे साथ ऑडियंस दिल से कनेक्टेड है ना वो हमारी फीलिंग्स को समझती है। जो नई ऑडियंस होती है उनको अभी इतना पता नहीं चलता, और जैसे जैसे स्टोरी में हमारी फैमिली में इन्वॉल्व होते हैं तब उनको धीरे धीरे पता चलता है, क्योंकि पहले वो एकदम से रिजल्ट निकाल देते हैं नहीं। लेकिन जो ऑडियंस बहुत पुरानी है हमारे साथ, मेरे साथ 2 साल से 3 साल से, आई थिंक 4 साल से, 2018 से मैं काम करना स्टार्ट कर गया था, और उसके बाद बीच में आपने मेरे साथ कनेक्टेड हुए, है ना, और आपने मेरे को समझा और मेरे साथ जुड़े, मेरी फैमिली की फीलिंग्स को समझा, अच्छा लगा, और इसलिए आप लोगों ने अच्छे बोलों पे साथ दिया, है ना, और समझा मेरी फीलिंग्स को आपने। अब क्या ही बोलूँ, है ना, ज़्यादा बातें नहीं बोलना चाहता हूँ, खत्म करना चाहते हो। बहुत चीज़ें मैंने खोई है, बहुत चीज़ें लाइफ में मैंने अचीव की है, तो ओवरऑल जैसा भी गया अच्छा गया, क्योंकि कोई साल बुरा नहीं होता, अच्छा ही होता है। अगर आपकी लाइफ में कुछ कठिनाइयाँ आती है, सपोज करो एक्सीडेंट मेरा हुआ है ना, एक मेजर एक्सीडेंट, मेरी जान भी जा सकती थी, बच गया क्योंकि शायद मेरे को दिखाना था कुछ उसने कि देख अपनी आंखों से, है ना, देखा मैंने। फिर उसके बाद मेरी लाइफ में ना एकदम से चेंज आ गया, पहले मैं थोड़ा सा डगमगा रहा था, फिर क्या है सीधा भागना स्टार्ट कर दिया, पीछे मुड़ के नहीं देखना। ये चीज़ें लाइफ में चलती रही, यही एज ए इन्फ्लुएंसर आप लोगों के लिए लेसन है कि भगवान करता है अच्छा ही करता है, कुछ ना कुछ आपको लगता है कि अगर आपके अंदर कुछ गलती है तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करो। मैं भी आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ,
सोशल प्लेटफॉर्म पे, अगर मेरे से कुछ गलतियां हुई है सोशल प्लेटफॉर्म पे इस साल, तो मेरे को माफ करना। नेक्स्ट ईयर हम इन चीजों को ना दोहराएं और सबकी लाइफ अच्छी अच्छी जाए अपने अपने रास्ते में। और एक नया रेजोल्यूशन भी होगा 2023 में, वो हम आपको बताएंगे, वो उस वीडियो में बता दिए। एक ही रेजोल्यूशन लेके मैं आगे बढ़ूंगा इस साल, और कुछ प्रोमिसेस किए थे आपके साथ, वो इस साल भगवान करे फुलफिल हो मेरे। और आप लोग भी प्रे करना क्या प्रोमिसेस है, जो लोग मेरे साथ कनेक्टेड है वो मेरी फीलिंग्स को अच्छी तरह से समझते हैं। बस यही कहना चाहता हूँ, आप जैसे प्यार पहले देते थे इस साल दिया, आगे भी देना और ज़्यादा बढ़ाना। थोड़े से व्यूज़ कम हुए, हमने अपने कंटेंट को थोड़ा सा चेंज करना है। आप मेरे को बताना कि किस टाइप का कंटेंट मैं क्रिएट करूँ, फैमिली के साथ करूँ, ट्रैवलिंग विद एंटरटेनमेंट करूँ, या फिर कुकिंग से रिलेटेड करूँ, या फिर कुछ आपके पास चॉइस है तो मैं कुछ वैसा करने की कोशिश करूँगा ताकि अपने इस करियर को आगे बूस्टअप कर सकूँ, है ना। तो बस ये था छोटा सा ब्लॉग, होप आप लोगों को बढ़िया लगा, आपको अग्निहोत्री की बातें बढ़िया लगी होगी। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करके, एडिट करके, पब्लिश करके फिर निकलूंगा। हो सकता है मे भी रात को मेरा एक ब्लॉग और आ जाए, हो सकता है नहीं भी आए, हो सकता है कल को ही आए, है ना, नए रेजोल्यूशन के साथ। तो बस ये था, चलिए मिलते हम आपको अगले साल में। और ये वाला ब्लॉग आई थिंक लास्ट ब्लॉग होगा मेरे इस ईयर का। बहुत प्यार दिया, एक बार दोबारा दिल से थैंक्स बोलना चाहता हूँ सभी ऑडियंस का, हेटर्स का भी और अपने जो ट्रू लवर है उनका भी, है ना, ट्रू सपोर्टर, है ना। तो बस ठीक है, मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में। तो एडवांस में आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर एंड बाय बाय एंड गुड आफ्टरनून। मम्मी फिलहाल नीचे है, नहीं तो हम अगले साल में ही मिलेंगे। मम्मी फिलहाल अभी नीचे है, नहीं तो आपसे उनको भी मिलाता। अब क्या है कि नेक्स्ट ईयर में ही मिलते हैं हम उनके साथ। बाय।